पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और इसके लिए हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज प्रस्तावना, अनुकरणात्मक कलाएं, अनुकरणात्मक कलाओं के वर्गीकरण का आधार, अनुकरण का अर्थ, परवर्ती विद्वानों के अनुसार अनुकरण का अर्थ, संक्षेप में अनुकरण का अर्थ, अनुकरण सिद्धांत की कमियां और निष्कर्ष। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को अंग्रेजी में कहते हैं एरिस्टोटल्स थियरी ऑफ इमिटेशन और अनुकरणात्मक कलाओं को बोलते हैं फाइन आर्ट्स। तो अरस्तु के क्या विचार थे इसका हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले मैंने प्लेटो के पाश्चात्य काव्य सिद्धांत के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत, उसे आप जाकर जरूर देख लें। इस तरह के वीडियोज बनाने के मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो आप लोग अवधारणाओं को भली भांति समझ पाएंगे और दूसरा परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन उत्तर लिखकर आ पाएंगे। तो यह मॉडल आंसर भी है, तो इसको आप ध्यान से अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। साथ ही आपको शुरुआत में बता दूं कि तीन प्रश्न हैं जो अरस्तु के ऊपर आते हैं। पहला तो है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, दूसरा है अरस्तु का विरेचन सिद्धांत और तीसरा है अरस्तु का त्रासदी विवेचन, ट्रेजडी। तो तीनों प्रश्नों पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला है वह है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। आइए देखते हैं। इसके शुरुआत में आपको बता दूं, ये जो अनुकरण शब्द है इमिटेशन, जिसको यूनानी में बोलते हैं मिमेसिस, यह वास्तव में यूनानी काव्य शास्त्र में बहुत पहले से चला आ रहा था, लेकिन प्लेटो और अरस्तु ने अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की, उसको नया रूप दिया। तो अरस्तु का सिद्धांत प्लेटो से पूरी तरह भिन्न है। प्लेटो उनके गुरु थे, उन्होंने उनके सिद्धांतों का खंडन किया है अनुकरण के संबंध में। तो मेरे पिछले वीडियो को आप जाकर जरूर देखें, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा। प्लेटो का काव्य सिद्धांत आप जरूर देखें और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। आज हम देखेंगे अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ इमिटेशन। सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान अरस्तु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जीवन काल है 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व। वे एक ओर तो प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे तो दूसरी ओर विश्व विजेता सिकंदर महान के गुरु होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। वे प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे। उन्होंने अपने जीवन में लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। उनके साहित्य संबंधी विचार काव्य शास्त्र, जिसे पोएटिक्स या फिर ऑन पोएटिक्स कहा जाता है, एवं भाषण शास्त्र, जिसे रेटोरिक्स कहा जाता है, इसमें उपलब्ध होते हैं। उन्होंने साहित्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, काव्य के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, कला के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, वे इनके दो प्रमुख ग्रंथों काव्य शास्त्र पोएटिक्स और भाषण शास्त्र रेटोरिक्स में उपलब्ध होते हैं, इसमें इनके विचार हैं। इन्हीं के आधार पर हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया है इमिटेशन, और हिंदी में इसका अनुवाद है अनुकरण या अनुकृति। जो मिमेसिस जो शब्द है वह यूनानी भाषा का शब्द है और यह प्लेटो और अरस्तु से पहले से चला आ रहा था, लेकिन इन्होंने इसमें नया अर्थ भर दिया, इसकी नई परिभाषा दी। और इसका अंग्रेजी में अर्थ है मिमेसिस, तो यूनानी शब्द है, अंग्रेजी में इसका अर्थ है इमिटेशन और हिंदी में इसे हम अनुकरण या अनुकृति कहते हैं, मतलब नकल, नकल करना। पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय चिंतन में अनुकरण सिद्धांत का बड़ा व्यापक और गहरा महत्व है, प्रभाव और महत्व है। इसका संबंध काव्य की रचना प्रक्रिया से है। तो यह जो इमिटेशन जो शब्द है, अनुकरण जो शब्द है, इसका संबंध काव्य की रचना प्रक्रिया से है कि कविता की रचना कैसी होती है, कैसे होती है। अरस्तु ने प्लेटो के अनुकरण संबंधी मत का संशोधन और विशद विश्लेषण करके उसे एक कला सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। प्लेटो जो उनके गुरु थे, उन्होंने अनुकरण के संबंध में जो सिद्धांत दिया था, तो अरस्तु ने उसका विरोध किया, उसका खंडन किया और कला के संबंध में अपना नया सिद्धांत दिया। काव्य और कला सच्चे रूप में जीवन और प्रकृति का अनुकरण है, यह मान्यता प्राय सुकरात और उसके बाद के विचारकों की रही है।
तो इनके जो शिष्य थे वो सुकरात थे। तो सुकरात और उनके बाद जो भी विचारक आए, जो भी दार्शनिक आए, उनका विचार यह था कि जो काव्य और जो कला है वह जीवन और प्रकृति का अनुकरण है। मतलब काव्य और कला जीवन और प्रकृति का अनुकरण करते हैं। जर्मन और रूसी विचारकों ने भी काव्य और कला को जीवन और प्रकृति का अनुकरण माना है, और इस प्रकार अनुकरण का सिद्धांत पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में एक व्यापक सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। खाली यूनान में ही नहीं बल्कि जर्मन और रूस में भी अनुकरण सिद्धांत की नई नई व्याख्या की गई, और बाद में पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, है ना, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में, पाश्चात्य आलोचना में अनुकरण सिद्धांत प्रतिष्ठित हो गया है। ये सिद्धांत के मूल सूत्र हमें प्लेटो और अरस्तु के विचारों में प्राप्त होते हैं। उन्हीं का किसी न किसी रूप में व्यवहार हमें परवर्ती विचारकों में मिलता है। तो इसका जो मूल सूत्र है, प्रारंभिक रूप से प्लेटो और अरस्तु ने अनुकरण शब्द की व्याख्या की, बाद में जो उनके बाद में आने वाले विचारक हैं इन्होंने अपनी प्रेरणा वहीं से ग्रहण की, प्लेटो और अरस्तु से। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत एक स्तर पर प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत की प्रतिक्रिया है और दूसरे स्तर पर उसका विकास भी। अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है, प्लेटो ने जो अनुकरण सिद्धांत दिया था उसकी प्रतिक्रिया में अरस्तु ने अपना अनुकरण सिद्धांत दिया जो उसे ठीक उल्टा है, और न केवल उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इसका विकास किया बल्कि इसका विकास भी किया, इसको आगे भी बढ़ाया। महान दार्शनिक प्लेटो ने कला और काव्य को सत्य से 3 गुना दूर कहकर उसका बहुत महत्व कम कर दिया था। प्लेटो का कहना था कि जो काव्य और जो कला है वह सत्य से 3 गुना दूर है, थ्राइस रिमोट, 3 गुना दूर है। ऐसा कहकर उन्होंने काव्य और कला के महत्व को बहुत कम कर दिया था। उनकी नजरों में काव्य और कला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। उसके शिष्य अरस्तु ने अनुकरण में पुनर्सृजन मतलब रिक्रिएशन का समावेश किया। उन्हीं के शिष्य अरस्तु ने जब अपना अनुकरण सिद्धांत लेकर आए, जब अरस्तु, तब उन्होंने अनुकरण में एक नई चीज डाली, वह क्या था, पुनर्सृजन, रिक्रिएशन, किसी चीज को दोबारा निर्माण करना, रिक्रिएशन, पुनर्सृजन का समावेश किया। उनके अनुसार अनुकरण हूबहू नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है जिसमें पुनर्सृजन भी शामिल होता है। प्लेटो का कहना था कि जो काव्य और कला है बिल्कुल हूबहू नकल है, जैसे हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। लेकिन अरस्तु ने क्या कहा कि यह हूबहू नकल नहीं है बल्कि उसमें कवि या जो कलाकार है वह अपनी तरफ से कुछ जोड़ता है, उसको बेहतर करता है, रिक्रिएट करता है, पुनर्सृजन करता है। तो यह वास्तव में जो काव्य या कला है यह पुनः सृजन है, पुनर्सृजन है या पुनः प्रस्तुतिकरण है। यह अरस्तु का विचार है। अनुकरणात्मक कलाएं फाइन आर्ट्स क्या होती हैं? अरस्तु के अनुसार अनुकरणात्मक कलाएं किसे कहते हैं? अरस्तु के विचार क्या है? अनुकरणात्मक कलाएं को हम अंग्रेजी में कहते हैं फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स के अंतर्गत आता है जैसे चित्रकारी है, कविता लिखना है ना, गीत गजल लिखना है, ये सब है ना, पेंटिंग और ड्राइंग और गाना, और ये सारे आते हैं फाइन आर्ट्स में। प्लेटो कलाओं के 2 वर्ग मानता है, उपयोगी कला यूजफुल आर्ट्स और दूसरा अनुकरणात्मक कला फाइन आर्ट्स। प्लेटो के अनुसार उपयोगी कलाएं मानव जीवन के उपयोग में आती रहती हैं, इसे व्यवहारिक कला भी कह सकते हैं। बढ़ई की कला अर्थात बढ़ई द्वारा निर्मित पलंग, मेज या कुर्सी उपयोगी कला के अंतर्गत है। प्लेटो का यह कहना है कि उपयोगी कला क्या है, लोगों को उपयोग में आती है। जैसे बढ़ई की जो कला है, जो कलाकारी है कि वह पलंग बनाता है, मेज बनाता है, तो वह उपयोगी कला है क्योंकि उसको हम उपयोग में लाते हैं। उपयोगी कला सत्य के अधिक निकट होती है, यह सत्य के बहुत करीब होती है क्योंकि बढ़ई ईश्वर रूपी विचार या सत्य की छाया, विषय या प्रकृति का अनुकरण करता है, और चित्रकार या कलाकार बढ़ई द्वारा निर्मित कृति का अनुकरण करता है, इसलिए सभी कलाएं सत्य से 3 गुनी दूर होती हैं। आप मेरे प्लेटो वाले अगर वीडियो में देखेंगे तो वहां पर मैंने इसका उल्लेख किया हुआ है। जैसे बढ़ई जो पलंग बनाता है, तो पलंग बनाने का जो विचार है, विचारों कहाँ से प्राप्त करता है, ईश्वर से। इस पलंग को कैसे बनाना है यह विचार है, यह ईश्वर का विचार है, सृष्टा का विचार है। तो ईश्वर का जो भी विचार है वह परम सत्य है, और ईश्वर से विचार लेकर जो बढ़ई जो पलंग बनाता है वह उसका अनुकरण है। अब बढ़ई ने जो पलंग बना दिया यह ऑलरेडी अनुकरण है। इसको देखकर कोई चित्रकार उस पलंग का चित्र बनाता है तो वह अनुकरण का अनुकरण है। तो इस प्रकार जो चित्रकार या कलाकार का जो पलंग का चित्र है वह सत्य अर्थात विचार से 3 गुना दूर है, यह इनका कहना है, प्लेटो का।
इसलिए सभी कलाएं सत्य से तिगुनी दूरी पर हैं, थ्राइस रिमोट। इस प्रकार जितने भी कलाएं हैं, जितने भी फाइन आर्ट्स हैं, वे सत्य से तिगुनी दूर है। इसका तात्पर्य है कि बढ़ई की कला काव्य कला या चित्रकला से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि अनुकरणात्मक कलाएं वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। तो प्लेटो का यह कहना है कि जो भी उपयोगी कला है वह किसी भी काव्य कृति या किसी भी कला फाइन आर्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि जो फाइन आर्ट से जो अनुकरणात्मक कला है जैसे काव्य लिखना या चित्रकला, यह सत्य से 3 गुना दूर है। प्लेटो को समझे बिना आप अरस्तु को नहीं समझ सकते, क्योंकि प्लेटो के विचारों का अरस्तु ने खंडन किया है और अनुकरण के संबंध में अपनी नई अवधारणा दी है। तो हमको दोनों का कंपेरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है, इसको आप ध्यान में रखें। आप ये मत सोचिए कि मैं यहाँ बार बार प्लेटो का उल्लेख क्यों कर रहा हूँ, सभी किताबों में यह मिलेगा। प्लेटो का विचार है कि अनुकरणात्मक कलाएं अच्छी नहीं है। अनुकरण करने वाले को न तो किसी वस्तु के उपयोग का ज्ञान रहता है और न उसके निर्माण का। वह वास्तविक वस्तु न प्रस्तुत करके वस्तु का आभास मात्र देता है, इसलिए अनुकरणात्मक कलाएं। अनुकरणात्मक कला में क्या क्या आता है? काव्य कला, चित्रकला, संगीत कला आदि सत्य से 3 गुनी दूर है। यह सत्य से 3 गुनी दूर है। वास्तविक सत्य निर्माता ईश्वर की कल्पना में था। वास्तविक सत्य कहां था? सत्य कहां था? ईश्वर की कल्पना में था। तो जो वास्तविक सत्य निर्माता ईश्वर की कल्पना में था, मतलब जो वास्तविक जो सत्य होता है, जो विचार होता है, जो प्रत्यय है, जिसको आइडिया बोलते हैं, उसका निर्माता है ईश्वर। भगवान उसका निर्माण करता है और उसी को देखकर फिर बाकी चीजों का निर्माण होता है। तो ये अनुकरणात्मक कला काव्य कला, चित्रकला, संगीत आदि सत्य से 3 गुना दूर है प्लेटो के अनुसार। वास्तविक सत्य निर्माता की कल्पना में था। नाटक के संबंध में भी यही बात है। अभिनेता वास्तविक चरित्र का अनुकरण नहीं करता, क्योंकि वह जिस पात्र का अभिनय करता है उसने उसे कभी नहीं देखा। वह तो नाटककार द्वारा अपनी कल्पना से निर्मित चित्र का अनुकरण करता है और नाटककार ने स्वयं भी उस चित्र को नहीं देखा। इस प्रकार अनुकरणात्मक कलाएं वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। तो नाटक के संबंध में भी यही बात है। जैसे कोई नाटककार ने नाटक लिख दिया और अभिनेता उसको अभिनीत कर रहा है स्टेज पर, है ना, तो वास्तव में वह वास्तविक चरित्र का अनुकरण नहीं करता, वह सिर्फ उस पात्र का अभिनय करता है जिसको उसने कभी नहीं देखा है। जैसे फिल्मों के जो एक्टर्स हैं वह तो नाटककार द्वारा अपनी कल्पना में निर्मित चित्र का अनुकरण करता है। नाटककार ने भी कल्पना के माध्यम से उसको उस कैरेक्टर को क्रिएट किया है, उसका चरित्र का निर्माण किया है और उसका अनुकरण करता है। इस प्रकार नाटककार ने भी उसको नहीं देखा है, जिसके विषय में उसने नाटक लिखा है उस कैरेक्टर को ना तो नाटककार ने देखा है और ना ही कलाकार ने देखा है, अभिनेता ने। इस प्रकार अनुकरणात्मक कलाएं वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। तो जो अनुकरणात्मक कलाएं, जो फाइन आर्ट्स हैं, इमिटेटिव जो आर्ट्स हैं, वह मूल कला से बहुत दूर होती हैं, वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। प्लेटो के विचार से अनुकरण या अनुकृति एक नाटक या क्रीड़ा है, अतः उसका कोई गंभीर महत्व नहीं है। तो प्लेटो के विचार से अनुकरण या अनुकृति क्या है? एक नाटक जैसा है या क्रीड़ा है, नकल है, अतः उसका कोई गंभीर महत्व नहीं है। वह मनोरंजन का एक प्रकार है, ना कि कोई गंभीर कार्य। मतलब प्लेटो ने इसे कोई गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, यह इसका काम सिर्फ मनोरंजन करना है, टाइम पास करना है। यह कोई गंभीर प्रकृति का कार्य नहीं है जिसे महत्व दिया जाए। उसके अनुसार कवि अपनी कविता द्वारा वीर पुरुषों की झांकी तो दे सकता है, पर वीर पुरुषों का निर्माण नहीं कर सकता। प्लेटो का यह मानना है कि कोई कवि अपनी कविता में वीर पुरुषों का वर्णन कर सकता है ना, वीर पुरुषों के बारे में बता सकता है, उनका व्यक्तित्व तो कैसा है उसे प्रतिबिंबित कर सकता है, लेकिन वह वीर पुरुषों का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए अनुपयोगी है। लेकिन प्लेटो यह भी कहता है, किंतु यदि किसी काव्य में सत्य और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा हो, मतलब यदि किसी कविता में सत्य और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा हो तो वह ऐसे काव्य का स्वागत करेगा। यह इन्होंने रिपब्लिक में कहा है, 386 पृष्ठ है। अगर अनुकरण का विषय मंगलकारी है, अनुकरण पूर्ण है, उत्तम है, तो वह स्वागत योग्य है, परंतु अनुकरण प्रायः अधूरा और अपूर्ण होता है। प्लेटो का यह मानना है कि यदि कोई काव्य जिसमें सत्य भी हो और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा हो और वह पूरा हो, अपने आप में पूर्ण हो, तब वह उनका स्वागत करेगा। लेकिन प्लेटो का यह भी कहना है कि कोई भी अनुकरण प्रायः अधूरा और अपूर्ण होता है। अब हम देखते हैं अरस्तु का क्या कहना है। प्लेटो का हमने विचार देख लिया, इनके गुरु थे, इन्होंने अपने गुरु के विरोध में, हालांकि उनका नाम उन्होंने कहीं नहीं लिखा है,
कि मेरे गुरु प्लेटो का यह कहना है, उनका नाम उन्होंने कहीं उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उन्होंने उनके सिद्धांतों का अपने अपनी किताबों में खंडन किया है। तो अब अरस्तु क्या बोलते हैं, यहां से देखिए अरस्तु का कहना क्या है इस विषय में। अरस्तु ने उक्त क्रम को बदल दिया, उस ऑर्डर को चेंज कर दिया जो प्लेटो का क्रम था। उसका कहना है कि अनुकरणात्मक कलाएं मतलब फाइन आर्ट्स, उपयोगी कलाओं मतलब यूजफुल आर्ट्स, अनुकरणात्मक कलाएं उपयोगी कलाओं की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट एवं सत्य के निकट है। तो इन्होंने उनका उल्टा बोल रहे हैं कि जो अनुकरणात्मक कलाएं हैं वो उपयोगी कला से ज्यादा मूल्यवान है, ज्यादा उत्कृष्ट हैं और सत्य के अधिक निकट है। उसके अनुसार उपयोगी कलाएं और अनुकरणात्मक कलाएं मूलभूत रूप से एक ही है। अरस्तु का मानना है कि इन दोनों कलाओं में ज्यादा अंतर नहीं है, कोई मौलिक अंतर नहीं है, दोनों मूलभूत रूप से एक ही हैं। दोनों प्रकार की कलाएं अनुकरण करती हैं, चाहे फाइन आर्ट्स हो मतलब अनुकरणात्मक कला हो या उपयोगी कला हो, दोनों ही अनुकरण करती हैं, अनुकरण दोनों में विद्यमान है। उपयोगी कला भी प्रकृति का अनुकरण करती है, जो उपयोगी कला है वह भी प्रकृति का अनुकरण करती है। प्रकृति यहां पर हम आइडिया से ले सकते हैं। सभी उपयोगी कलाएं प्रकृति के नियमों का अनुसरण या अनुकरण करते हुए प्रकृति का उद्देश्य पूरा करती है। तो यहाँ प्रकृति से तात्पर्य यहाँ पर आइडिया से है, उसका यहाँ उद्देश्य ये उनका अनुकरण करती है उपयोगी कलाएं। अनुकरणात्मक कलाएं भी प्रकृति के ही नियमों का अनुसरण करती है, अधूरे काम को पूरा कर देती है। जो अनुकरणात्मक कलाएं हैं फाइन आर्ट्स हैं वो भी प्रकृति है। यहाँ पे प्रकृति से तात्पर्य जो नेचर है, जो हमारा कुदरत है, उसके बाहरी रूप से नहीं है, उसके आंतरिक रूप से, कि उसमें विकास कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे बसंत आता है, ठंड, शरद ऋतु आती है, ऐसी बहुत सारी ऋतुएं आती है, उसमें कैसे परिवर्तन होता है, मतलब प्रकृति का जो प्रोसेस है, प्रकृति में क्या क्या होता है हमारे आसपास, उसका अनुकरण करती है। तो अनुकरणात्मक कलाएं भी प्रकृति में यदि कुछ अधूरा है तो उस काम को पूरा कर देती हैं। दोनों में केवल अंतर यह है कि अनुकरणात्मक कलाएं कार्यरत मनुष्य मैन इन एक्शन का अनुकरण करती हैं, अर्थात मनुष्य के भावों, विचारों और कार्यों को प्रस्तुत करती हैं। उपयोगी कलाएं ये सब काम नहीं करती, लेकिन जो अनुकरणात्मक कलाएं हैं वह मनुष्य का है ना, कार्यरत मनुष्य, मैन इन एक्शन। मैन इन एक्शन का कहने का क्या मतलब है कि मनुष्य में जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, जो विचार हैं, जो आइडियाज हैं और उनके जो एक्शंस हैं उनको प्रस्तुत करती है। तो जो अनुकरणात्मक कलाएं हैं, जो फाइन आर्ट्स हैं, वह व्यक्तियों की भावनाओं का, उनके विचारों का, उनके कार्यों को प्रस्तुत करती हैं, अर्थात उनका अनुकरण करती हैं। अनुकरणात्मक कलाओं के वर्गीकरण का आधार, अनुकरणात्मक कलाओं को कई भागों में बांटा गया है। अनुकरणात्मक कलाएं जो है फाइन आर्ट्स हैं, उनको कई प्रकार से फाइन आर्ट्स होते हैं, संगीत है, गीत है, काव्य लेखन है, नाटक लेखन है, चित्रकारी है, बहुत सारे। इनके वर्गीकरण का आधार क्या होता है, किस आधार पर हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनका वर्गीकरण का आधार क्या होता है, वर्गीकरण कैसे करते हैं। अरस्तु के अनुसार ये सारी बातें आपको अपनी परीक्षा में लिखनी है, यह अरस्तु के विचार हैं, तभी आपका उत्तर पूरा होगा। इसलिए आप ध्यान से देखें और इसे मॉडल आंसर के रूप में आप लिख लें, आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे। अरस्तु के अनुसार सभी कलाओं का मूल तत्व अनुकरण है, जितने भी कलाएं हम देखते हैं सभी का मूल तत्व अनुकरण है, इमिटेशन है, किंतु वे तीन कारणों से एक दूसरे से अलग होते हैं। लेकिन जितने भी फाइन आर्ट्स हैं, अनुकरणात्मक कलाएं, ये तीन कारणों से एक दूसरे से अलग होते हैं। पहला विषय वस्तु कंटेंट या फिर ऑब्जेक्ट, दूसरा माध्यम साधन या उपकरण, कि वो माध्यम क्या है ना, उसके साधन क्या है, उस कला का माध्यम क्या है, उस कला के साधन क्या है और किन उपकरणों का हमने प्रयोग किया है, और तीसरा शैली, किस मैनर है, मोड क्या है। इन तीनों के आधार पर हम अनुकरणात्मक कलाओं का वर्गीकरण करते हैं, विषय वस्तु के आधार पर, माध्यम साधन या उपकरण के आधार पर और शैली के आधार पर। अब विषय वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट या कंटेंट, ऑब्जेक्ट या कंटेंट के आधार पर हम कैसे, विषय वस्तु के आधार पर कैसे करते हैं, देखिए अरस्तु का मत है कि इन अनुकरणात्मक कलाओं के विषय हैं कार्यरत मनुष्य, मैन इन एक्शन, और मनुष्य या तो उच्च कोटि के होंगे या निम्न कोटि के होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि ये कलाएं जीवन को तीन रूपों में प्रस्तुत करती हैं, मतलब विषय वस्तु के आधार पर जो हम विषय वस्तु के आधार पर जब हम अनुकरणात्मक कला का वर्गीकरण करते हैं तो विषय वस्तु के आधार पर वह कार्यरत मनुष्य मैन इन एक्शन का अध्ययन करता है। कार्यरत मनुष्य मतलब जो व्यक्ति कुछ सोच रहा है, कुछ काम कर रहा है, जिसमें कुछ भावना है, इमोशंस है, उसको बोलते हैं, या फिर उसकी प्रकृति, कि लोगों की प्रकृति कैसी है। तो प्रकृति के आधार पर मनुष्य या तो उच्च कोटि के होते हैं या फिर निम्न कोटि के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये कलाएं जीवन का तीन रूपों में प्रस्तुत करती हैं। कैसे प्रस्तुत करती हैं? पहला वास्तविक जीवन के अच्छे रूप में, मतलब जो हमारा वास्तविक जीवन है
लोगों का जो वास्तविक जीवन है या तो उसे अच्छे रूप में प्रस्तुत करेंगी, है ना, अनुकरणात्मक कलाएं किसी चीज को, व्यक्तित्व को। दूसरा, वास्तविक जीवन से निम्न रूप में, या तो जो वास्तविक जीवन है उसे थोड़ा नीचे, मतलब बेकार, पहले में बहुत अच्छा उससे और बेहतर और इससे कमतर, दूसरे वाले में वास्तविक जीवन से कमतर रूप में उसकी व्याख्या करेंगे, अनुकरण करेंगे या प्रस्तुत करेंगे। और तीसरा, वास्तविक जीवन में जो रूप है उस रूप है, मतलब यथार्थवादी दृष्टिकोण, कि जैसा है वैसा ही उसको प्रतिबिंबित करेंगी, उनका अनुकरण वैसे ही करेंगी। तो यहाँ पर जो ट्रेजिडी है, ट्रेजिडी त्रासदी में उच्चतर जीवन का अनुकरण किया जाता है और कॉमेडी में निम्न रूप का। कॉमेडी को कॉमेडी बोलते हैं, उसको त्रासदी बोलते हैं हिंदी में। तो ट्रेजिडी में जो होता है उच्चतर जीवन का अनुकरण किया जाता है, उदात्त जीवन का अनुकरण किया जाता है, बहुत ही बेहतरीन जीवन का अनुकरण किया जाता है। ट्रेजिडी में जीवन को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से, सर्वोत्कृष्ट तरीके से ट्रेजिडी में अनुकरण किया जाता है उच्चतर जीवन का, और कॉमेडी में निम्न रूप का, कॉमेडी में जो वास्तव में जो व्यक्तित्व है उससे कमतर रूप का प्रतिबिंबन किया जाता है। अब दूसरा, माध्यम के आधार पर, कलाओं को माध्यम के आधार पर कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? सभी कलाओं के माध्यम, मतलब अनुकरणात्मक कलाएं, फाइन आर्ट्स, सभी कलाओं के माध्यम या उपकरण अलग अलग होते हैं। जितने भी कला होते हैं उनका माध्यम या मीडियम अलग अलग होता है। जैसे चित्रकला और मूर्तिकला में क्या करते हैं, चित्रकला और मूर्तिकला के साधन या माध्यम रंग और रूप है। जब कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो विभिन्न रंगों से चित्र बनाता है, और वैसे ही कोई मूर्तिकार जब चित्र बनाता है तो वह विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को विभिन्न प्रकार का रूप देता है। तो माध्यम रंग और रूप देता है। जैसे अभी गणेश चतुर्थी आने वाली, तो गणेश भगवान की जो मूर्तियां बनाएंगे, है ना, अलग अलग मूर्तियां रंग रूप देंगे उसको, तो ये मूर्तिकला। मूर्ति नृत्य कला का माध्यम लय है। वैसे जो नृत्य कला है यह भी अनुकरणात्मक कला है, फाइन आर्ट्स है। तो नृत्य कला में क्या है, लय के आधार पर डांस करते हैं जो कलाकार होते हैं, नर्तक होते हैं, जिस तरह से म्यूजिक होता है, जिस तरह से संगीत होता है, उसके आधार पर डांस करते हैं, लय के आधार पर। संगीत कला में स्वर, लय और संगति माध्यम है। संगीत कला में स्वर होता है, उसके बाद लय, लय के सुरताल में गाना पड़ता है, और संगति, बहुत से लोग वो संगत करते हैं उसमें, जैसे तबला वाला हो गया, हारमोनियम वाला हो गया, और विभिन्न प्रकार के जो बजाने वाले हैं, वीणा वाले हो गए। और काव्य कला का माध्यम लय, संगति और भाषा है। और काव्य कला में क्या है, हम उसको गा भी सकते हैं, तो उसमें लय भी होना चाहिए, उसमें संगति भी होनी चाहिए, और भाषा भी होनी चाहिए, हारमोनी भी होनी चाहिए, शब्दों में, शब्दों में हारमोनी मतलब सामंजस्य भी होना चाहिए, और उसकी भाषा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। तो ये माध्यम है, मतलब चित्रकला का माध्यम अलग है, संगीत का माध्यम अलग है, काव्य का माध्यम अलग है, नाटक का माध्यम अलग है, अलग अलग माध्यम। नाटक को रंगमंच में हम प्रस्तुत करते हैं, तो अलग अलग माध्यम के हिसाब से हम कलाओं का वर्गीकरण करते हैं, अनुकरणात्मक कलाओं का, फाइन आर्ट्स का। अरस्तु काव्य के लिए छंद को अनिवार्य नहीं मानते, इसलिए कोई रचना गद्य में है या पद्य में या प्रश्न महत्वहीन है। अरस्तु कोई छंद को ज्यादा महत्व नहीं देते, तो इसलिए कोई रचना गद्य में लिखी गई है या पद्यात्मक शैली में लिखी गई है, अरस्तु को कोई लेना देना नहीं है, यह प्रश्न उनके लिए महत्वहीन है। देखना यह है कि रचना का प्रयोजन क्या है। अरस्तु के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उस रचना का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है। प्रयोजन यदि आनंद है तो काव्य है, यदि किसी रचना का उद्देश्य आनंद प्रदान करना है तो अरस्तु के अनुसार वह काव्य है, और प्रयोजन यदि केवल ज्ञान प्रदान करना है तो वह अकाव्य है, और यदि केवल उसका ज्ञान प्रदान करना उद्देश्य है तो वह रचना अकाव्य है, या फिर कह सकते हैं कि गद्य है। मतलब काव्य हमको आनंद प्रदान करता है और जो गद्य वगैरह है वो हमको आनंद प्रदान नहीं करते, अरस्तु के हिसाब से। तीसरा, शैली या पद्धति के हिसाब से हम अनुकरणात्मक कला को विभाजित कर सकते हैं। शैली या पद्धति के हिसाब से भी हम इनका कैटेगराइजेशन करते हैं, हमें तो इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैनर। तो काव्य की शैली या तो वर्णात्मक हो सकती है, नाटकीय, वर्णात्मक मतलब नैरेटिव, नैरेट करना कोई चीज को, है ना। तो काव्य की शैली या तो वर्णात्मक हो सकती है, जैसे स्टोरी को नैरेट करते हैं, या फिर नाटकीय हो सकती है, जो हम स्टेज पर अभिनय करते हैं। कुछ कवि वर्णात्मक शैली का उपयोग करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा उसका अंधा युग, धर्मवीर भारती का अंधा युग है, वह नाटकीय है, तो काव्य की शैली है, गीति नाट्य बोलते हैं उसको, है ना, काव्य नाटक या गीति नाट्य, तो वह नाटकीय शैली में लिखी गई है। कुछ कवि वर्णात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, वे या तो प्रथम पुरुष के रूप में या अन्य पुरुष के रूप में वर्णन करते हैं। तो कुछ कवि नैरेटिव प्रोसेस वर्णात्मक शैली के रूप में अपना वो करते हैं, या तो वे प्रथम पुरुष के रूप में स्वयं ही बोलते हैं, या फिर अन्य पुरुष के रूप में, मतलब वो कोई पात्र है उसको बोलता है, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करता है, प्रोलॉग या मोनोलॉग बोलते हैं इसको। तो नाटकीय शैली में पात्र स्वयं समाधान द्वारा अपनी बात कहते हैं, लेखक और कवि अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता।
तो नैरेटिव जो शैली है, जो वर्णनात्मक शैली है, उसमें या तो प्रथम पुरुष के रूप में कवि स्वयं बोलता है या फिर किसी पात्र के माध्यम से अपनी बात करता है। लेकिन जो नाटकीय शैली में है, उसमें पात्र स्वयं अपनी बातों को बोलता है, अपने संवादों को स्वयं बोलता है, और इसमें लेखक या कवि अपनी ओर से कुछ बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते। तो अलग अलग कैटेगरी है जो आपको समझना जरूरी है। अब अरस्तु के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है? अरस्तु और प्लेटो के विचारों में क्या असमानता है? अरस्तु ने क्या सोचा अनुकरण के विषय में, या प्लेटो ने क्या सोचा अनुकरण का अर्थ? अरस्तु ने प्लेटो के समान ही स्वीकार किया कि कला अनुकरण प्रधान है। अरस्तु और प्लेटो दोनों का यह मानना है कि कला कला जो है अनुकरण प्रधान है, मतलब आर्ट क्या है वह अनुकरण प्रधान है, अनुकरण करती है, अनुकरण के माध्यम से कला जन्म लेती है। काव्य भी कला है, इसलिए वह भी अनुकरण प्रधान है ना? काव्य भी एक कला है, फाइन आर्ट्स है, इसलिए वह भी अनुकरण प्रधान है। किंतु जब तक यह ना जान लें कि अनुकरण का अर्थ क्या है, तब तक अरस्तु की काव्य विवेचना हम नहीं समझ सकते। अतः अनुकरण के अर्थ को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझ लेना चाहिए। तो हमको अरस्तु की काव्य विवेचना में अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को समझने के लिए पहले अनुकरण को भली भांति समझना पड़ेगा, विभिन्न दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा कि अलग अलग दृष्टिकोण से अनुकरण का अर्थ क्या होता है। ये सारे अरस्तु के विचार हैं, प्लेटो के विचार हैं, सब कुछ यहाँ पर है। तो काव्य प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण है। पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर क्रिएटिव प्रोसेस। नेचर से क्रिएटिव प्रोसेस क्या है? जो हमारी प्रकृति है, जो कुदरत कुदरत है, उसमें निरंतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। एक छोटा सा बीज हम लगा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वह पौधा बन जा रहा है और कुछ दिनों के बाद वह पेड़ बन जा रहा है, उसमें फल और फूल आने लगते हैं। तो ये जो कुदरत में जो परिवर्तन होता है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, तो पोएट्री इसका नकल करती है। जैसे वर्ड्सवर्थ को बोलते हैं नेचर पोएट, वर्ड्सवर्थ जैसे सुमित्रानंद पंत हैं, उनको हिंदी में बोला जाता है प्रकृति के चितेरे, वैसी है। तो काव्य प्रकृति की सर्जन प्रक्रिया का अनुकरण है। पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर क्रिएटिव प्रोसेस। प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं, जो सृजन होता है, उसका अनुकरण करती है कविता। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने यह स्वीकार किया है कि कला प्रकृति का अनुकरण है ना? द आर्ट इमिटेट्स नेचर। प्लेटो ने अनुकरण शब्द का अर्थ हूबहू नकल करने के अर्थ में किया है। लेकिन प्लेटो का क्या मानना है? प्लेटो का कहना है कि वह सीधा उसका नकल करती है, कविता है या कला है, सीधा नेचर का नकल कर देती है, बिल्कुल एज इट इज, जैसे कि वह है, हूबहू नकल, जैसे कि हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं वैसे ही कवि या कलाकार प्रकृति का हूबहू नकल करते हैं। तो कवि या प्लेटो के अनुसार कवि या कलाकार होते हैं प्रकृति का हूबहू नकल करते हैं, जैसा उनको दिखाई देता है हूबहू बिल्कुल सेम। प्रकृति दृश्यमान जगत में जिस रूप में है, उसी रूप में कवि उसका नकल करते हैं, इसे यथार्थ की नकल भी कहा जा सकता है। मतलब जैसे कोई पेड़ देखा तो चित्रकार वैसे ही पेड़ बना देगा, बिल्कुल सेम वैसे ही नकल कर देता है। तो दृश्यमान जगत मतलब हमारा जो दृष्टिगोचर जगत है जिसमें हम रहते हैं, तो कवि या फिर कलाकार उसका उसी रूप में सेम एज इट इज उसका नकल कर देता है, इसे यथार्थ नकल भी कह सकते हैं। यह प्लेटो का विचार है, मतलब उसमें अपना दिमाग नहीं लगाता, अपनी भावनाओं को उसमें इन्वॉल्व नहीं करता है। अरस्तु ने कला प्रकृति का अनुकरण है इस वाक्य का भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है। जब अरस्तु यह कहते हैं कि द आर्ट इमिटेट्स नेचर, कला प्रकृति का अनुकरण है, इस वाक्य का प्रयोग अरस्तु ने भिन्न अर्थ में प्रयोग किया है। प्लेटो से अलग अर्थों में इन्होंने इसका प्रयोग किया, इस शब्द का, इस लाइन का। यहां पर कला का तात्पर्य केवल अनुकरणात्मक कला से है, केवल फाइन आर्ट से, और प्रकृति का तात्पर्य मनुष्य की प्रकृति से है। तो यहां पर जब अरस्तु का कहना है कि यह प्रकृति वो प्रकृति नहीं है जो ऑब्जेक्ट्स हम दिखाई दे रहे हैं हमको, जो प्रकृति के पेड़ पौधे नदी जंगल झाड़ी, यहां पर अरस्तु से तात्पर्य वो प्रकृति नहीं है, बल्कि यहां पर अरस्तु का तात्पर्य है मनुष्य की प्रकृति, उसकी भावनाएं, उसकी संवेदनाएं और उसका अभ्यास। मानव से इतर प्रकृति, मानव से हटकर जो प्रकृति है अर्थात भू दृश्य जो हम आसपास देखते हैं, जमीनी दृश्य, पर्वत, नदी, पशु आदि का अनुकरण करना अरस्तु के अनुसार अनुकरणात्मक कला का कार्य नहीं है। प्लेटो का कहना था कि प्लेटो के अनुसार इन सब का अनुकरण करती है कला या कविता, लेकिन अरस्तु क्या कहते हैं कि जो हमारे आसपास जो प्रकृति में जो दिखाई देने वाले, दृष्टिगोचर होने वाले ये नदी है, पहाड़ है, जंगल, पशु पक्षी, इनका अनुकरण करना काव्य या कविता या कला का काम नहीं है, बल्कि काव्य, कला या कविता मनुष्य की प्रकृति का अनुकरण करती है। मानव जीवन ही वह प्रकृति है जिसका कला अनुकरण करती है, मतलब मानव जीवन की, मनुष्य की जो प्रकृति है, मानव जीवन की ही वह प्रकृति है जिसका कला अनुसरण करती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखें। कला और प्रकृति, कला मतलब हो गया आर्ट, प्रकृति मतलब हो गया नेचर।
के अर्थ को समझ लेने के बाद अब यह समझना आवश्यक है कि कला मानव जीवन या प्रकृति को किस रूप में और किस प्रक्रिया द्वारा प्रस्तुत करती है, अर्थात हमें यह देख लेना चाहिए कि काव्य और वास्तविक जीवन में क्या संबंध है। अब हमको यह देखना है कि किसी कविता में और हमारे वास्तविक जीवन में रियल लाइफ में क्या संबंध है, और कविता किस प्रकार मानव जीवन, मनुष्यों के जीवन या फिर प्रकृति को, प्रकृति का अनुकरण करती है और किस तरह से वह उन्हें प्रस्तुत करती है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इमिटेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। इमिटेशन इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। तो अरस्तु के अनुसार क्या है? अनुकरण एक सर्जन क्रिया है। मतलब अनुकरण क्या है? क्रिएशन है, कुछ सर्जन है, कुछ सृजन की क्रिया है, कुछ निर्माण की प्रक्रिया है। कवि या कलाकार प्रकृति की दिखाई देने वाली वस्तुओं का नहीं, वरन प्रकृति के सर्जन प्रक्रिया क्रिएटिव प्रोसेस का अनुकरण करता है। अरस्तु के अनुसार एक तो हमने देखा कि वह मानव की प्रकृति का अनुकरण करता है, और दूसरा जो काव्य या कला है वह नेचर का जो क्रिएटिव प्रोसेस है, प्रकृति में जो विकास हो रहा है, प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहा है ना, पतझड़, वसंत, बहार जो आ रहे हैं, जो पौधे बड़े हो रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, तो उसकी जो प्रक्रिया है, मतलब चीज़ें विकसित हो रही हैं, है ना, जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से जो विद्यमान है वो धीरे धीरे विकसित हो रही हैं, वो नष्ट हो रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, मतलब प्रकृति एक प्रक्रिया के तहत काम कर रही है, इसका अनुकरण करती है कविता या काव्य, उस प्रोसेस का अनुकरण करती है। प्लेटो के अनुसार अनुकरण का विषय बाह्य प्रकृति की वस्तुएं हैं, तो अरस्तु के अनुसार बाह्य प्रकृति में निहित प्रकृति के नियम अनुकरण के विषय हैं। प्लेटो के अनुसार जो कलाकार है वह सीधा जो बाहरी उसको दिखाई दे रहा है जो रूप प्रकृति का, उसी का अनुकरण कर लेता है, उसी को ही चित्रकारी कर देता है या कविता लिख देता है। यह प्लेटो का कहना है, बाहरी रूप का। लेकिन अरस्तु का कहना है जो कलाकार है, मतलब अनुकरणात्मक जो कला है वह उसकी आंतरिक प्रक्रिया, कुदरत के अंतर्गत जो चलने वाली जो प्रकृति नियमानुसार जो काम करती है उसमें जो प्रक्रिया होती है उसका अनुकरण करती है। प्लेटो के अनुसार वह प्रकृति के बाह्य रूप का अनुसरण करती है कला, और अरस्तु के अनुसार वह प्रकृति के आंतरिक प्रक्रिया जो प्रोसेस है उसका अनुकरण करती है कला। नियम यह है कि प्रत्येक वस्तु पूर्ण रूप से विकसित होना चाहिए, पूर्ण विकास ही उसकी प्रकृति है। मतलब किसी भी चीज, कुदरत की प्रक्रिया क्या होती है कि सभी चीजें पूर्ण रूप से विकसित होनी चाहिए। जैसा जो एक पौधा है, छोटा सा पौधा हमने लगाया, तो उस पर पूर्ण विकसित होना चाहिए उस पौधे को। उसमें से वो पहले हम बीज लगाएंगे जमीन में, फिर उसमें छोटा पौधा निकलेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फूल, पत्ते, फल, ये सब उसमें आने चाहिए, पूर्ण रूप से विकास होना चाहिए। यह कुदरत का नियम है, पूर्ण विकास ही उसकी प्रकृति है। किंतु कई कारणों से प्रकृति इस पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर पाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रकृति अपनी पूर्णता को, प्रकृति के जो उपादान है, जो चीज है, कुदरत के जो क्षय है, वो क्या है, पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर पाते, पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते। कवि या कलाकार उन अवरोधक कारणों को हटाकर प्रकृति के छोड़े हुए कार्य को पूरा करता है। अर्थात प्रकृति में, कुदरत में यदि कुछ अधूरा रह जाता है उसी प्रक्रिया में, तो जो कवि या कलाकार होता है उस अधूरेपन को पूरा करता है अपनी कला के माध्यम से। तात्पर्य यह है कि कवि या कलाकार अपनी कल्पना, भावना के द्वारा जो उसकी मानसिक कल्पना में प्रस्तुत होता है उसी को भाषा में प्रस्तुत करता है। अतः यहाँ अनुकरण का अर्थ पुनः प्रस्तुतिकरण है। अरस्तु का कहना यह है कि जो कवि या कलाकार है वह प्रकृति के जो उपादान है उसमें जो चलने वाली प्रक्रिया है उसमें अपनी भावनाओं का योग दे उसमें योग कर देता है, अपनी भावनाओं को जोड़ देता है, अपनी कल्पनाओं को जोड़ देता है। इसके पश्चात उसकी मन में जो कल्पना, जो चित्र, जो बिंब उभरते हैं उसके आधार पर वह उसको भाषा में प्रस्तुत करता है या चित्र में प्रस्तुत करता है। अतः इस प्रकार जो अनुकरण का अर्थ, यहाँ पर इमिटेशन का अर्थ क्या होगा, पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रेजेंटेशन, दोबारा प्रस्तुत करना। मैथिली शरण गुप्त हिंदी के जाने माने कवि हैं, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी यही कहा है। मैथिली शरण गुप्त की उक्ति इसी आशय का प्रतिपादन करती है कि जो अपूर्ण, कला उसी की पूर्ति है। मतलब हमारे जीवन में जो अधूरा रह जाता है, जो प्रकृति में कोई चीज अधूरी रह जाती है, तो कला उसको पूर्णता प्रदान करती है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि चित्रकूट में दोनों भाई प्रेम से इतने पूर्ण हो गए कि उनकी दशा, मन, चित्त, बुद्धि और अहम के परे चली गई। इस प्रेमानुभूति में ही कल्पनात्मक अनुभूति है। इस कथन में यह स्पष्ट आशा है कि कवि अपनी मानसिक छाया या मेंटल इमेज का ही अनुकरण करता है। अब ये तुलसीदास जी ने तो भगवान राम और भरत के मिलाप को देखा नहीं था चित्रकूट में, लेकिन उन्होंने अपनी कल्पना के माध्यम से जो बिंब बनाया, जो चित्र बनाया हमारे दिमाग में, तो यह उनकी मानसिक छाया, मतलब मन में काल्पनिक बिंब बनाया और
उसी के आधार पर उन्होंने इसकी व्याख्या की, इसका वर्णन किया। तो कितना जीवंत हो उठा है यह, तो यही है, यही अनुकरण है। सारांश यह है कि अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं है, जैसे प्लेटो कहते हैं, जैसे प्रतिबिंब में दर्पण, जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमारी हूबहू नकल होती है, तो प्लेटो का यह मानना है। लेकिन अरस्तु का मानना यह नहीं है। अरस्तु का यह कहना है कि अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं है कि जैसी जो कोई चीज़ है तो वैसे ही हमको बना देना, बल्कि अनुभूति मतलब हमारे जो फीलिंग्स, जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, और कल्पना, इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा मतलब कल्पना करने के द्वारा, अपूर्ण को पूर्ण करना है, मतलब अपनी अनुभूति, अपने फीलिंग्स, इमोशंस के द्वारा और कल्पना के द्वारा, इमेजिनेशन के द्वारा हम उसको अपूर्ण को पूर्ण करते हैं। कवि मानव जीवन के सार्वभौम तत्व का अनुकरण करता है और उसे ही भाषा में अभिव्यक्त करता है, मतलब जो यूनिवर्सल फैक्ट है मनुष्य के जीवन के, जो यूनिवर्सल फैक्ट हैं, सार्वभौमिक जो तत्व हैं, वह उनका अनुकरण करता है। मनुष्य में जो भी प्रकृति है, मनुष्य की प्रकृति है, उसका अनुकरण करता है और उसे ही भाषा में अभिव्यक्त करता है। काव्य सर्जन कवि के मानसिक बिंब का ही प्रतिफलन है, तो उसके मन में जो उभरने वाले जो बिंब हैं, जो चित्र हैं, उसके माध्यम से कोई कवि कविता की रचना करता है। कवि का संसार इस संसार के समान इस अर्थ में होता है कि वह इस संसार की वस्तुओं, मानवीय क्रियाकलाओं के वैशिष्ट को सुरक्षित रखता है, लेकिन साथ ही साथ और भी नहीं इस अर्थ में है कि वह उसे संभव विस्तार दे देता है। मतलब कविता, कोई कवि जब कविता का सृजन करता है, कविता लिखता है, तो वह इस संसार के जो मनुष्यों के मानवीय क्रियाकलाप हैं उनको तो वह सुरक्षित रहता है, रखता ही है, उनकी विशिष्टता है जो है, उनकी खासियत है, उनको तो वह एज इट इज रखता है जैसे वे हैं, और साथ ही साथ क्या करता है, वह उसे विस्तार प्रदान करता है, उसे खूबसूरती भी प्रदान कर सकता है, करता है। कवि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के अर्धक कारणों को हटाकर उसे इतना संभव विस्तार देता है कि वह विश्व मानव यूनिवर्सल मैन हो जाता है, और जो साधारण यथार्थ था वह असाधारण यथार्थ या आदर्श बन जाता है। मतलब जो कवि का काम क्या है कि वह मनुष्य का जो व्यक्तित्व है उसको इतना विकसित कर देता है अपनी कला के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कि वह एक यूनिवर्सल मैन हो जाता है। मतलब वो विश्व में कहीं भी पढ़ा जाए तो उसके व्यक्तित्व को उसी तरह से महसूस किया जा सकता है जैसा कवि ने उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया है। और जो साधारण यथार्थ था और उसकी जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं, जो साधारण यथार्थ हैं, वह क्या हो जाता है, असाधारण यथार्थ या फिर आदर्श बन जाता है। मतलब साधारण सी बात को भी एक कवि असाधारण बना सकता है, साधारण व्यक्तित्व को भी असाधारण व्यक्तित्व बना सकता है। तो इस प्रकार कवि दो प्रकार की आज़ादी का उपयोग करता है। कवि के पास दो प्रकार की आज़ादी या स्वतंत्रता होती है, दृष्टि स्वातंत्र और दूसरा कर्म स्वातंत्र। मतलब दृष्टिकोण की आज़ादी, चीज़ों को देखना समझना, उसके प्रति अपना दृष्टिकोण पैदा करना, और दूसरा है कर्म स्वातंत्र, उसके बाद काम करने की स्वतंत्रता। काम करने की स्वतंत्रता मतलब कविता में लिखने की स्वतंत्रता। यद्यपि सभी मनुष्यों में ये स्वतंत्रताएं प्रकृति से प्राप्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति में यह आज़ादी है, दृष्टिकोण की आज़ादी और कला की आज़ादी, सृजन की आज़ादी, कार्य की आज़ादी, किंतु कवि में इनका अंश अधिक मात्रा में होता है। किंतु कवि ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है, सृजनात्मक होता है, उसमें इसका अंश बहुत ज़्यादा होता है। वह दृष्टि और कर्म दोनों की स्वतंत्रता के वरदान का उपयोग करता है, मतलब ईश्वर से उसे दृष्टिकोण का और कर्म करने का दोनों की आज़ादी मिली हुई है और इस वरदान का उपयोग करता है। वह वही नहीं कहता जो है या जो हो चुका है, वह सिर्फ यही नहीं बताता कि यह जो हमको दिखाई दे रहा है या जैसा है या जो हो चुका है, पास्ट या प्रेजेंट, वह कहता है जो हो सकता है, वह बताता है कि इसमें क्या संभावना है, क्या भविष्य में हो सकता है। कवि की रचना अपूर्व होती है और उसका दर्शन व्यापक होती है, इसलिए यह कवि की जो रचना होती है, क्योंकि वह रिक्रिएशन करता है, पुनर्सृजन करता है, इसलिए वह अपूर्व होता है, जो पहले नहीं हुआ है, और उसका दर्शन व्यापक होता है, और जो उसकी फिलॉसफी होती है, जो उसका दृष्टिकोण होता है, जो उसका दर्शन होता है, वह व्यापक होता है, विस्तृत होता है, गहन होता है। दूसरा, यहाँ हम अनुकरण के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों से अनुकरण का अध्ययन कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों से हम अनुकरण को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति, वस्तु या चरित्र के आदर्श रूप का अनुकरण। तो जो कला होती है ना, कला, फाइन आर्ट्स, अनुकरणात्मक कला, या तो वह प्रकृति का अनुकरण करती है, प्रकृति मतलब नेचर, या तो वस्तु का अनुकरण करती है या चरित्र, और इन तीनों के आदर्श रूप का अनुकरण करती है। इमिटेशन ऑफ द आइडियल फॉर्म ऑफ नेचर, ऑब्जेक्ट और करेक्टर। यहाँ पर बीच बीच में मैं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भली भांति इसको समझ पाएंगे, और कई बार कुछ स्टूडेंट जो होते हैं अंग्रेजी माध्यम से 12वीं पास करने के बाद फिर लिटरेचर के फील्ड में आते हैं तो उनको कुछ समझने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात यह है कि ये सारी पाश्चात्य अवधारणाएं हैं,
तो यह जो हम पढ़ रहे हैं वास्तव में यह हिंदी अनुवाद है, क्योंकि यह जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, वास्तव में अंग्रेजी में डेवलप हुआ है, अंग्रेजी में इनका निर्माण हुआ है। इसलिए हमको इनको अंग्रेजी में भी सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसे बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। कवि या कलाकार, अब हम देखते हैं कवि या कलाकार तीन प्रकार की वस्तुएं चरित्र में से किसी एक का अनुसरण कर सकता है। कोई कवि या कलाकार है, उसके पास तीन विकल्प होते हैं, उनमें से वह किसी एक का या सबका अनुकरण कर सकता है। जैसे कि जैसा वह है या दिखाई देता है, कोई चीज हमको जैसी दिखाई दे रही है जैसी वह है, मतलब प्रतीमान बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर वर्ड इसके लिए प्रतीयमान, कोई चीज जैसी है या जैसी दिखाई दे रही है। दूसरा, जैसा वह जाना या समझा जाता है, मतलब जैसा हम किसी को जानते या समझते हैं, संभाव्य, मतलब कोई व्यक्ति हमको रोज मिलता है, हमको मालूम है कि यह बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, समाज का बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, तो उसको बोला जाता है कि यह बहुत ही, मतलब संभाव्य बोलते हैं कि उसे एक अच्छे विद्वान व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज उसको स्वीकार करता है उसको। और तीसरा, जैसा उसे होना चाहिए, मतलब आदर्श, यह आदर्श स्थिति है कि कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, आदर्श स्थिति में ऐसा होना चाहिए। तो कोई कवि या कलाकार तीन प्रकार से चीजों का अनुकरण करता है। पहला, वह जैसी है या जैसी दिखाई देती है। दूसरा है, जैसा वह जाना या समझा जाता है, इसको बोलते हैं संभाव्य। तीसरा, जैसा उसे होना चाहिए। इन तीनों वस्तु में पहला प्रतीमान, दूसरा संभाव्य और तीसरा आदर्शात्मक है। पहले को हम बोलते हैं प्रतीमान, दूसरे को बोलते हैं संभाव्य, मतलब जिसकी संभावना है, और तीसरा है आदर्शात्मक। इन सारी बातों को आपको परीक्षा में लिखना है, यदि आप बहुत अच्छे अंक चाहते हैं तो, और आपको समझना भी है। जो प्रथम दो कैटेगरी है, प्रतिमान और संभाव्य, इसमें तो दो वस्तुएं विद्यमान है, जो वस्तु जैसी है या फिर जैसा समझा जाता है, किंतु तीसरी, जैसा होना चाहिए, में तो वस्तु है ही नहीं, अभी तो उसे होना है, यहाँ पर कोई वस्तु है ही नहीं, मतलब वो सिर्फ इमेजिनेशन है। कवि या कलाकार अपनी भावना या कल्पना के द्वारा उसे जैसा चाहे प्रस्तुत कर सकता है। तो जैसे कि कर्ण का व्यक्तित्व है, कर्ण हमने देखा है नहीं है, लेकिन उसके बारे में जैसे रश्मि रथी उन्होंने लिखा है, तो अपनी भावना इमोशन के हिसाब से लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और जो शिवाजी सावंत का उपन्यास है मृत्युंजय, तो वो अपनी कल्पना और भावना के आधार पर उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो ये दोनों रचनाएं बहुत ही बेहतरीन है, हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो रश्मि रथी, और रश्मि रथी जो कर्ण के जीवन पर आधारित है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास है मृत्युंजय, कर्ण की जीवनी है, कर्ण के जीवन पर आधारित है, इसको आप जरूर पढ़ें। कहने की आवश्यकता नहीं कि संसार में जिसकी सत्ता ही नहीं, जो केवल आदर्श रूप है, उसके अनुकरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात जो है ही नहीं तो उसका अनुकरण आदमी करेगा कहाँ से, तो वह सिर्फ अपनी कल्पना के हिसाब से, जैसे जो मिथक है, मिथ्स है ना, जैसे मिथक है, कल्पना के द्वारा इनका निर्माण किया जा सकता है, तो इसके अनुकरण का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जो होना चाहिए कि चित्रण में निश्चित ही कवि की भावना या कल्पना का योगदान होगा, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि इसका व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए, तो इसका ऐसा चित्रण करने में कवि निश्चित रूप से भावना या कल्पना का योगदान देता है। वह प्लेटो की भांति नकल मात्र नहीं होगा, अतः यहाँ भी अनुकरण का अर्थ भावनामय या कल्पनामय अनुकरण है, कुरा नकल नहीं। जैसे प्लेटो कहते हैं कि यह सिर्फ हूबहू नकल है, लेकिन अरस्तु का कहना क्या है, कुछ चीजों को, कुछ बातों को कवि अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी भावनाओं के माध्यम से स्वयं ही निर्मित करता है, जैसे मिथक वगैरह है ना, तो वह ये जो चीज है ही नहीं उसका भी वर्णन वह करता है, तो यह तो प्लेटो के विचारों से मेल नहीं खाता, मतलब कवि इसमें अपनी सृजनात्मकता को परिलक्षित करता है, सृजन करता है, नवीन सृजन करता है, तो यह भी नकल नहीं है। तो उपरोक्त तो विश्लेषण, अभी तक इस विश्लेषण से क्या कहा जा सकता है, दो निष्कर्ष निकलते हैं। काव्य या कोई भी कला प्रकृति का कोरा अनुकरण या नकल नहीं है, चाहे काव्य हो चाहे कोई भी कला हो, प्रकृति का ही अनुकरण या नकल नहीं है, बल्कि, और यदि अनुकरण है भी तो वह मूल ओरिजिनल से अधिक रमणीय तथा आकर्षक हुआ करता है। यदि कोई काव्य या कला प्रकृति का यदि अनुकरण है भी, उसका नकल है भी, तब भी वह उस ओरिजिनल से, उस यथार्थ से ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा बढ़िया है, रमणीय है, आकर्षक है। दूसरा, काव्य या कला हमेशा अनुकरण हो या आवश्यक नहीं है, वह बहुधा अवास्तविक आदर्श का प्रतिरूपण होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनरियलिस्टिक आइडियल, अर्थात उसमें कुछ ऐसे तत्व तो जुड़ जाते हैं जो मूल में नहीं होते, फलत वह मूल पर आधारित होते हुए भी मूल से भिन्न होता है ना। तो जैसे हमारे समाज में कोई व्यक्तित्व है जो जाने माने व्यक्तित्व है, और यदि उसका अनुसरण भी अगर हम कर रहे हैं है ना, अनरियलिस्टिक आइडियल, आइडियल आदर्श मानकर भी उसका हम अगर यहाँ पर अनुकरण कर रहे हैं, तब
तब भी उसमें कुछ ऐसे तत्व जुड़ जाते हैं, कुछ ऐसे क्वालिटीज उसमें जुड़ जाते हैं जो मूल में नहीं है और वह मूल से भिन्न होता है। मतलब कई बार जो चीजें हम देखते हैं प्रकृति में उसका कवि या कलाकार इस तरह से वर्णन करते हैं कि वह और उससे ज्यादा बेहतर हो जाता है, और कुछ उसमें ऐसे क्वालिटीज भी डाल देते हैं, ऐसे गुण भी डाल देते हैं कि वह उससे बेहतर तो दिखाई देता है, साथ ही वह भिन्न भी दिखाई देने लगता है, मतलब पुनर्सृजन कर देता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, उमर खयाम की रुबाइयां जो है, उमर खयाम नाम के बहुत बड़े शायर हैं अरबी फारसी के, उनकी जो रुबाइयां हैं उनका अनुवाद किया था अंग्रेजी में फिट जेराल्ड ने, उसका उन्होंने अनुकरण किया, अनुवाद किया, फिर उसका अंग्रेजी अनुवाद से अनुकरण किया हरिवंश राय बच्चन जी ने, उन्होंने लिख दिया मधुशाला। तो मधुशाला तो उससे हटकर अलग ही होगी लेकिन उससे बेहतर होगी, तो मधुशाला जो है वह फिट जेराल्ड, जो उमर खयाम की जो रुबाइयां उसका फिट जेराल्ड ने अंग्रेजी में अनुवाद किया, और अंग्रेजी से फिर हिंदी में हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला के रूप में उसका अनुवाद किया, है ना, रुबायात ए उमर खयाम। तो वह मूल से भी बेहतर हो गया, उससे बेहतर अच्छा हो गया। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, इसको अगर आप कोट करते हैं परीक्षा में तो आपको बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तेरा कविता और इतिहास में क्या संबंध है, क्या कविता और इतिहास की यहाँ पर तुलना की गई है? तो अरस्तु का कहना यह है इतिहास से काव्यकला भिन्न है, इतिहास अलग चीज है काव्यकला भिन्न है, क्योंकि इतिहासकार वही वर्णन करता है जो घटित हुआ है। इतिहासकार का काम क्या है, जो घटित हो चुकी घटनाएं हैं उनका जैसे के जैसा जैसी घटनाएं घटित हुई हैं वैसा ही उनका वर्णन कर देता है, अपनी ओर से कुछ जोड़ता घटाता नहीं है। कवि वह भी वर्णन करता है जो घटित हो सकता है, लेकिन कवि क्या है, कवि में बहुत सारी संभावनाएं हैं, वह अपनी कल्पना के द्वारा जो नहीं घटित हुआ है उसका भी वर्णन कर सकता है, वह यह बता सकता है कि यह घटित हो सकता है कल्पना के द्वारा। वे कहते हैं कि इतिहास विशेष पर्टिकुलर की अभिव्यक्ति है और काव्य सार्वभौम यूनिवर्सल का, इसलिए जो इतिहास का काम है वो लिमिटेड हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, किसी एक शासक के बारे में, किसी एक कालखंड के विषय में कोई इतिहास लिखा जाता है, किसी देश का इतिहास, किसी राष्ट्र का इतिहास जो अलग अलग कालखंडों में बटा रहता है, लेकिन कविता का कोई लिमिटेशन नहीं है, कविता यूनिवर्सल है। हमारे हिंदुस्तान की कविता विदेशों में पढ़ी जा रही है, विदेशी कविताएं हम हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं, जैसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि में नोबेल पुरस्कार मिला है, बांग्ला में उन्होंने लिखी थी उसका हिंदी, फिर अंग्रेजी में अनुवाद उन्होंने स्वयं किया था और अंग्रेजी अनुवाद को नोबेल पुरस्कार कमेटी को भेजा, उन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया 1913 में, 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था गीतांजलि को। तो यह क्या है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। तो भले ही गीतांजलि को पूरे विश्व में पढ़ी जाती होंगी, सभी विश्वविद्यालय में हो सकती है उसकी पढ़ाई होती होगी, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, लेकिन भारत का इतिहास सब जगह नहीं पढ़ा जाता होगा। तो यह है, कवि के अनुकरण का रूप सदैव नवीन होता है, कवि जो अनुकरण करता है वह हमेशा नया होता है, नई नई चीजों का अनुकरण करता है और नई नई चीजों को वह कविता के रूप में ढालता है, क्योंकि वह अनुकरण पुनः सर्जन या पुनः प्रस्तुतिकरण है। कवि का जो अनुकरण है, कवि का जो इमिटेशन है, वह क्या है, रिक्रिएशन है, पुनर्सृजन है, पुनः प्रस्तुतिकरण है, पुनः सर्जन है। अरस्तु के इतिहास और काव्य संबंधी विवेचन से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय पुनः सर्जन या भाव या कल्पना परक अनुकरण से था, और इसी कारण काव्य या कला के रूप में जो प्रस्तुति होती है जिसे अरस्तु ने अनुकरण कहा है वह रोचक और प्रेरक होती है। तो अरस्तु के अनुसार कोई भी कला या काव्य पुनः सृजन है, पुनर्सृजन है, रिक्रिएशन है, पुनः सर्जन है, पुनः प्रस्तुतिकरण है, इसीलिए वह अधिक रोचक होती है, व्यापक होती है, रमणीय होती है और प्रेरक भी होती है। चौथा, अभी हम देख रहे हैं अनुकरण का अलग अलग दृष्टिकोण से हम अध्ययन कर रहे हैं। कार्यरत मनुष्य जीवन का अनुकरण, कार्यरत मनुष्य और जीवन का अनुकरण, इमिटेशन ऑफ मैन इन एक्शन एंड लाइफ, मतलब हमारा जो व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं निरंतर, उनकी उनकी भावनाएं, उनकी संवेदनाएं, उनकी प्रकृति, इनका अनुकरण करती है कविता या कला। तो ट्रेजिडी, इस पर मैं एक और एपिसोड बनाऊंगा, जो त्रासदी विवेचन, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी के बारे में अरस्तु के क्या विचार हैं और विरेचन सिद्धांत के बारे में क्या विचार हैं, इनके ऊपर मैं दो एपिसोड और लेकर आऊंगा। और आप लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इससे मुझे और भी अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी और मैं बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। साथ ही यदि किसी टॉपिक में आपको कोई परेशानी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। दूसरी बात, मेरे एपिसोड्स आप पर कैसे लिख रहे हैं जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों तक मैं सही ढंग से पहुंच पा रहा हूं कि नहीं, और मेरे ये सारे एपिसोड्स आप लोगों के लिए उपयोगी हैं कि नहीं है।
ट्रेजेडी त्रासदी का जब विवेचन करते हैं अरस्तु, तब वो कहते हैं ट्रेजेडी की परिभाषा में अरस्तु ने लिखा है कि ट्रेजेडी मतलब होता है दुखांतक, दुखांत नाटक, मनुष्यों का नहीं वरन कार्यरत मनुष्य का अनुकरण करती है। तो त्रासदी जो है उन्होंने क्या लिखा है, त्रासदी मतलब दुखांत नाटक जिसको हम ट्रेजेडी कहते हैं, वह क्या है, मनुष्य के एक्शन का अनुकरण करती है, उसके फीलिंग्स का, इमोशंस का, उसके काम का। यहाँ कार्य से तात्पर्य मनुष्य का स्वभाव है ना, स्वभाव उसका जो हैबिट है, जो उसका विचार है, विचार आइडियाज फीलिंग्स और अनुभूति मतलब फीलिंग्स। तो उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है व्यक्ति का, कोई नेचर है, स्वभाव है, जो विचार है, जो उसके आइडियाज हैं, जो दृष्टिकोण है, या उसकी अनुभूति, जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। तो कार्य से तात्पर्य है, मनुष्य के कार्य से क्या तात्पर्य है, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का विचार और मनुष्य की अनुभूति, इसका अनुकरण करती है कविता त्रासदी। ट्रेजिडी में नाटककार पात्रों के स्वभाव, भाव, विचार और चरित्र को उद्घाटित करता है। त्रासदी में हम क्या देखते हैं, त्रासदी में हम देखते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के पात्र हैं उनका स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, भाव मतलब फीलिंग्स, उनके विचार मतलब आइडियाज या दृष्टिकोण, और उनके चरित्र मतलब कैरेक्टर, इनको उद्घाटित करता है कोई नाटककार। अतः यहाँ भी अनुकरण का अर्थ नकल ना होकर पुनः प्रस्तुतिकरण है। तो यहाँ भी अनुकरण से तात्पर्य नकल नहीं है बल्कि पुनः प्रस्तुतिकरण है, रिप्रेजेंट करना है किसी चीज को दोबारा। इसी संदर्भ में अरस्तु ने यह भी लिखा कि काव्य में जिस मनुष्य का चित्रण होता है वह यथार्थ जीवन से अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और वैसे का वैसा अर्थात वास्तविक भी हो सकता है। तो अरस्तु का यह भी मानना है कि काव्य में जिस व्यक्ति का चित्रण होता है तो या तो वह व्यक्ति वास्तव में वह जैसा है उससे अच्छा भी हो सकता है, या उससे बुरा भी हो सकता है, या कि वह जैसा है वैसा ही, वास्तव में वह जैसा है वैसा भी हो सकता है। काव्य या नाटक में यथार्थ जीवन से अच्छे या बुरे मनुष्य का चित्रण होता है, वास्तविक जीवन का ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर उनका यह भी कहना है कई बार ऐसा होता है कि काव्य में या नाटक में कभी कभी यथार्थ जीवन से अच्छे व्यक्ति का चित्रण हो जाता है, कभी बुरे व्यक्ति का चित्रण हो जाता है। यथार्थ अच्छा या बुरा मानव चित्रित करने के लिए कलाकार को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पर एज इट इज भी वो कर सकता है, लेकिन जैसा किसी का व्यक्तित्व है यदि वैसे ही अगर वर्णन करता तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है या उसके व्यक्तित्व को कम बनाना है तो कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। अतः अनुकरण का अर्थ, यहाँ पर उनके विचारों में थोड़ा मतभेद भी है। ये देखिए, उसे अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और यहाँ बोलते हैं कि वास्तविक जीवन का चित्रण नहीं करता। तो यहाँ पर खुद का वचनों में विरोधाभास भी प्रतीत होता है। यथार्थ अच्छा या बुरा मानव चित्रित करने के लिए कलाकार को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति जैसा है, यदि हमको उसको अच्छा बनाना है अपने काव्य में या नाटक में, या उसको बुरा बनाना है, तब हमको कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। अतः अनुकरण का अर्थ काल्पनिक पुनर्सर्जन से है, जिसमें कुछ चीजें बढ़ाई जा सकती हैं और कुछ चीजें छोड़ी जा सकती है। तो अनुकरण का अर्थ काल्पनिक पुनर्सर्जन, मतलब इमेजिनेशन के द्वारा, कल्पना के द्वारा हम उसको रिक्रिएट करते हैं। तो इसके द्वारा या तो हम उसमें कुछ बढ़ा देते हैं, उसके गुणों में कुछ बढ़ोतरी कर देते हैं, या कुछ गुणों को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, कुछ चीजें जोड़ देते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं कल्पना के माध्यम से। अरस्तु ने लिखा है कि जिस प्रकार अच्छे चित्रकार वस्तु के मूल रूप को पुनः प्रस्तुत करते हुए उसका ऐसा चित्र करते हैं जो वास्तविक जीवन के सदृश होता हुए भी उससे अपेक्षाकृत अधिक सुंदर होता है, उसी प्रकार कवियों को चाहिए कि मनुष्यों के स्वभाव आदि को प्रस्तुत करते समय वे उनके मूल स्वभाव को तो बनाए रखें किंतु उसे उदात्त भी बना दें। कई बार कुछ चित्रकार इतनी उच्च कोटि के चित्रकार होते हैं कि जब वो किसी वस्तु को देखकर कोई चित्र बनाते हैं तो वह उससे भी खूबसूरत बना देते हैं। जैसे कि कोई चित्रकार है ताजमहल को देखकर वो चित्र बना रहा है, कोई पेंटर, कोई चित्रकार, तो हो सकता है कि वह उससे भी खूबसूरत चित्र बना दे जैसा वास्तव में ताजमहल हमको दिखाई देता है। वैसे ही कवियों से भी यह अपेक्षा है अरस्तु का कि किसी व्यक्ति का चित्रण करते हुए वह उसका उदात्त रूप प्रदान करें, सबलाइन रूप प्रदान करें, किंतु साथ ही साथ वे इसको मूल स्वभाव को भी बनाए रखें, एकदम से परिवर्तन न कर दें, मूल स्वभाव को भी बनाए रखें और उसे उदात्तता सबलाइन भी बना दें, उदात्त कर दें, सर्वश्रेष्ठ भी बना दें, लेकिन उसके मूल स्वभाव को बिना परिवर्तित किए। सबलाइन वाला एक चैप्टर है लॉन्जाइनेस नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लॉन्जाइनेस की उदात्त की अवधारणा यह भी परीक्षा में पूछी जाती है, इस पर भी मेरे एपिसोड्स आएंगे, तो कृपया मेरे सारे एपिसोड्स आप देखते रहें। भय और दुख का निराकरण, मतलब जो काव्य या कला का एक काम है भाव्य भय या दुख का निराकरण करना, उनको दूर करना, हमारे भय को हमारे दुखों को दूर करना भी कला का कार्य है। एलिविएशन ऑफ फियर एंड सॉरो, अरस्तु ने काव्य की उत्पत्ति के संदर्भ में लिखा है, काव्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में ये लिखते हैं, जिन वस्तुओं का प्रत्यक्ष दर्शन हमें दुख देता है
उनका अनुकरण के द्वारा प्रस्तुत या चित्रित रूप हमें आनंद प्रदान करता है। डरावने जानवर को देखने में हमें भय और दुख होता है, किंतु उसका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। जैसे आप एनिमल प्लेनेट देखते हैं, बहुत ही हिंसक जीव जंतु एनिमल प्लेनेट में जो नेशनल जियोग्राफी चैनल में आप देखते होंगे, तो वास्तव में जब हम इनको देखते हैं, कोई शेर को हम देख लेते हैं या हम जैसे क्रोकोडाइल को देख लेते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हम जब देखते हैं तो हमको बहुत डर लगता है, लेकिन इन्हीं का जब हम वीडियोज वगैरह देखते हैं तो क्या हमको आनंद प्रदान करता है ना, चित्र देखते हैं वीडियोज देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। डरावने जानवर को देखने में हमें भय और दुख होता है, किंतु उसका अनुकरण द्वारा प्रस्तुत रूप हमें आनंद प्रदान करता है। प्रत्यक्ष रूप से जब हम इस इन हिंसक जीवों को देखते हैं तो हमको डर लगता है कि हमको खा ना जाए, लेकिन जब हम इनको एनिमल प्लेनेट में देखते हैं, टीवी में वीडियो में, या फिर हम नेशनल जियोग्राफी चैनल में देखते हैं, या फिर इनका चित्र देखते हैं, तो यह हमको आनंद प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि अनेक जीव जंतु शेर आदि देखने में तो भयानक दिखते हैं, परंतु उन्हीं का यथार्थ चित्रण हमें आनंद उत्पन्न करता है, उनको खुशी देता है, भले ये भयानक है, और हम उन्हें देखकर क्या उठते हैं कि अरे यह तो बिल्कुल वही है। यह भय और दुख का निराकरण हो जाता है, अतः यह अनुकरण निश्चित यथार्थ न होकर काल्पनिक होगा। तो देखिए यहाँ पर भय और दुख का निराकरण हो गया। जैसे हम किसी मृत व्यक्ति को देखते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, हम मृत व्यक्ति देख रहे हैं, तो हमको वहां देखकर बहुत दुख होगा, पीड़ा होगी हमको, कोई रोड एक्सीडेंट हमने देख लिया। लेकिन यदि हम फिल्मों में देखते हैं तो क्या है, हमको उसका निराकरण हो जाता है भय और दुख का, अतः यह अनुकरण निश्चित ही यथार्थ न होकर काल्पनिक होता है। तो यह जो अनुकरण है, यह इमिटेशन, यह क्या है, काल्पनिक है, यथार्थ नहीं है। इस प्रकार अरस्तु के विविध कथनों की व्याख्या करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अनुकरण का अर्थ अरस्तु के अनुसार काल्पनिक अनुकरण या पुनः सृजन या पुनर्प्रस्तुतिकरण होगा। तो इस प्रकार अनुकरण का अर्थ क्या है अरस्तु के अनुसार, पुनर्सृजन, पुनः प्रस्तुतिकरण है, कल्पना के माध्यम से काल्पनिक अनुकरण है। अनुकरण का अर्थ किसी विषय वस्तु का यथार्थ चित्रण से नहीं है, यह अनुकरण सुंदर होगा, आनंद प्रदान करेगा, पाठकों को वास्तविकता के प्रति आश्वस्त करेगा। तो इस प्रकार जहां पर प्लेटो का जो दृष्टिकोण है वह आदर्शवादी या उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, प्लेटो का जो दृष्टिकोण है इनके गुरु का वह आदर्शवादी या उपयोगितावादी दृष्टिकोण है, लेकिन जो अरस्तु का दृष्टिकोण है वह सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है, वह काव्य या कला में सौंदर्य का संधान करना चाहते हैं। उन्होंने अनुकरण प्रधान कलाओं की निंदा नहीं प्रशंसा की है, इसलिए उन्होंने फाइन आर्ट्स या अनुकरण जो प्रधान कलाएं हैं उनकी प्रशंसा की है, उनकी निंदा नहीं की है। प्लेटो इनकी निंदा करते हैं, उसके महत्व को अरस्तु ने स्वीकार किया है। उनका कथन है कि अनुकरण की प्रवृत्ति मनुष्य को बचपन से ही प्राप्त हो जाती है, मतलब अनुकरण जो इमिटेशन है बचपन से ही हमको इसकी प्रकृति हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम जो प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, नर्सरी स्कूल में, तो हम टीचर को इमिटेट करके हम बोलना सीखते हैं शब्दों को, वाक्यों को। वैसे हम माता पिता का अनुकरण करके हम बोलना सीखते हैं, तो बचपन से ही हम अनुकरण करते हैं। वह अनुकरण द्वारा ही बहुत कुछ सीखता है। एक छोटा बच्चा जो सीखता है वह अनुकरण के द्वारा, इमिटेशन के द्वारा, नकल के द्वारा ही सीखता है। अरस्तु का यह कथन भी है कि अनुभव के द्वारा यह प्रमाणित है कि बहुत सी वस्तुएं देखने में दुखदायी होती हैं, किंतु काव्य में उनका वास्तविक प्रस्तुतिकरण आनंददायी होता है, जैसे खूंखार जानवरों की प्रस्तुति। इस प्रकार अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ किसी वस्तु जीवन का पुनः प्रस्तुतिकरण माना, दर्पण में पड़ने वाले प्रतिबिंब का हूबहू या वैसा नकल नहीं जैसा कि प्लेटो ने कहा था। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि कुछ चीजें हमको वास्तविक जीवन में जब हम देखते हैं तो दुखदायी प्रतीत होती है, हमको भय पैदा होता है उससे, लेकिन हम जब उनको कल्पना के रूप में देखते हैं, पुनः सृजन देखते हैं, तो हमको वह अच्छा लगता है। इस प्रकार जो अनुकरण है अरस्तु के अनुसार वह पुनः सृजन है, रिक्रिएशन है, पुनर्सृजन है, पुनः प्रस्तुतिकरण है। वह प्लेटो के तरह वैसा ही हूबहू नकल नहीं है जैसा कि हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। अब इनके बाद के जो विद्वान हुए हैं, क्या वे अरस्तु के मत से सहमत हैं कि प्लेटो के मत से सहमत हैं, इसको हम देखते हैं। मतलब अरस्तु के बाद जितने भी विद्वान हुए वेस्टर्न क्रिटिसिज्म में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, पाश्चात्य आलोचना में, उनका क्या मानना है कि क्या वे अरस्तु से सहमत हैं कि वे प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सहमत हैं। प्रति विद्वान क्या मानते हैं, प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल था, जैसे कि चीजें वह उनका पूरा तरह नकल करना, दर्पण में जैसा प्रतिबिंब होता है, तो अरस्तु के अनुसार था पुनः प्रस्तुतिकरण। आगे चलकर लोंजाइनस, सिसरो, डायोनिसस, क्विंटिलियन, होरेस पोप आदि ने अनुकरण का अर्थ महाकवियों का अनुकरण किया है। ये जो विद्वान हुए हैं पाश्चात्य विद्वान, इनका कहना है कि अनुकरण से तात्पर्य क्या है, जो पुराने महाकवि हुए हैं उनका अनुकरण करना। लोंजाइनस ने उदात्त तत्व की चर्चा में प्राचीन महान कवियों के अनुकरण को वांछनीय माना है। लोंजाइनस क्या बोलते हैं, उदात्त की जब चर्चा करते हैं तो वे कहते हैं
कि प्राचीन जो महान कवि हुए हैं उनका अनुकरण करना अनिवार्य है। होरेस पोप आदि ने प्राचीन ग्रीक कवियों के अनुकरण पर बल दिया है। होरेस और अलेक्जेंडर पोप नाम के जो राइटर हैं, पोएट हैं, उन्होंने क्या कहा है, प्राचीन ग्रीक कवियों का अध्ययन किया जाना बहुत जरूरी है, उनका अनुकरण करना जरूरी है। यदि आप अच्छी कविता लिखना चाहते हैं तो आप इनका अनुकरण जरूर करें, इनको फॉलो करें। होरेस ने क्या लिखा है कि वे यूनानी लेखकों के आदर्शों को कभी ना भूलें, दिन में उनका अध्ययन करें और रात्रि में उनका चिंतन करें। होरेस नाम के जो दार्शनिक विद्वान है, इन्होंने क्या कहते हैं कि यूनानी जो लेखक हैं उनके आदर्श को आप अपनाएं, दिन में तो उनका अध्ययन करें और रात्रि में उन पर चिंतन करें, विचार करें। पोप का क्या कहना है, पोप ने अनुकरण का समर्थन करते हुए लिखा था, आजकल के कवियों का कर्तव्य है कि वे होमर और वर्जिल को खूब पढ़ें और उन्हीं को अपना आदर्श माने। पोप का भी यह कहना है कि अभी जो कवि कविताएं लिख रहे हैं वो होमर और वर्जिल को पढ़ें और उनका अनुकरण करें, उनको आदर्श माने और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करें, यह भी अनुकरण है। प्रोफेसर बूचर, इनकी क्या मान्यता है, प्रोफेसर बूचर के अनुकरण शब्द का अर्थ है मूल वस्तु का पुनः प्रस्तुतिकरण। बूचर अनुकरण को रचनात्मक प्रक्रिया या क्रिएटिव एक्शन मानता है, अरस्तु भी वही मानते हैं, है ना, पुनः प्रस्तुतिकरण। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे, इनका क्या मानना है, मरे ने अनुकरण की व्याख्या करते हुए बताया कि अनुकरण शब्द में करण, करण मतलब कार्य या सृजन का भाव है, अतः अनुकरण का अर्थ पुनः सृजन है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे भी अरस्तु से सहमत है। स्कॉट जेम्स क्या कहते हैं, स्कॉट जेम्स ने अनुकरण का अर्थ कल्पनात्मक पुनर्निर्माण कहा है, इमेजिनेशन के द्वारा रिक्रिएट करना कोई चीज को, स्कॉट जेम्स ने भी अरस्तु सहमत हुए हैं। पॉट्स के अनुसार अनुकरण का अर्थ जीवन का पुनः सृजन है, जीवन या प्रकृति, अरस्तु ने भी वही कहा है, यह भी उनसे सहमत है। एटकिंस के अनुसार प्रायः पुनः सृजन का नाम अनुकरण है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रोफेसर बूचर मरे आदि विद्वानों ने अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित अनुकरण के अर्थ को ही स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो अरस्तु ने जो अनुकरण का सिद्धांत दिया उसको पाश्चात्य के लगभग सभी विद्वानों ने उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया और उसे सहमत होते दिखाई दे रहे हैं हमको। अब भारत में क्या है इससे सहमत है अरस्तु के विचार से, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, यह सिद्ध है कि अनुकरण का अर्थ यथार्थ चित्रण मात्र नहीं है, वह पुनः सृजन का पर्याय है और उसमें भाव तत्व और कल्पना तत्व का यथेष्ट अंतर्भाव है, उसमें सर्जना और सजना के आनंद की अस्वीकृति कदापि नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र भी यह कहते हैं कि जो काव्य है वह भी क्या है, अनुकरण है, पुनः सृजन है और उसमें भाव तत्व हैं, इमोशनल एलिमेंट्स हैं और कल्पना तत्व हैं, इमेजिनेटिव एलिमेंट्स हैं और इन दोनों का मिला जुला रूप है, दोनों ही उसमें समाविष्ट है। और जो सृजन का जो आनंद होता है, कोई चीज़ क्रिएट करने में, किसी निर्माण करने में जो आनंद आता है, उसमें आनंद की अस्वीकृति नहीं है, मतलब इसको अपनाया गया है। मतलब किसी चीज़ का जब हम कोई काव्य रचना करते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो जो सृजन का आनंद है, जो सर्जना का आनंद है, जो निर्माण का आनंद है, वह हमको इसमें प्राप्त होता है। अरस्तु का काव्यशास्त्र इनकी किताब है, इसके पृष्ठ 11 में लिखा हुआ है। आज समीक्षा के क्षेत्र में अनुकरण का महत्व कम हो गया है और अनुकरण के स्थान पर कल्पना को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वर्तमान समय में अनुकरण का ज़्यादा महत्व नहीं है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। इन प्लेस ऑफ इमिटेशन इमेजिनेशन इज बीइंग गिवन मोर इम्पोर्टेंस। अब काव्य का मूल्यांकन पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव की कसौटी पर होता है। मतलब किसी भी काव्य का मूल्यांकन क्या होता है कि उस काव्य को पढ़कर पाठक पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर भी नाटक, कविता, उपन्यास आदि में आज भी वह यथार्थवाद के रूप में विद्यमान है। लेकिन जो अनुकरण सिद्धांत है, आज हम जिसको यथार्थवाद बोलते हैं, यथार्थवाद मतलब कविता या नाटक या उपन्यास में जो चीज़ें जैसी हैं, जैसी हमको दिखाई देती हैं हमारे समाज में, हमारे आसपास, उनको वैसा ही प्रस्तुत कर देना जैसी वे हैं, इसे बोला जाता है यथार्थवाद। तो यथार्थवाद में यह अनुकरणवाद आज भी विद्यमान है। जो कवि, नाटककार, उपन्यासकार अपनी रचना में जीवन को ज्यों का त्यों उतारने के पक्ष में हैं, वे वस्तुतः यथार्थवादी ही हैं। तो यह भी एक अनुकरण ही है, यथार्थ का अनुकरण। तो यथार्थवाद में यथार्थ का अनुकरण किया जाता है। अब पूर्वोक्त सभी बातों को लेकर अनुकरण के अर्थ को संक्षेप में हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। ऊपर हमने अनुकरण सिद्धांत और अनुकरण के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा किया, उसके आधार पर हम समराइज कर सकते हैं संक्षेप में या सार रूप में। अनुकरण को इस प्रकार से हम व्याख्यायित या परिभाषित कर सकते हैं। जैसे प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो के अनुसार अनुकरण का अर्थ हुबहू नकल है, एग्जैक्ट नकल, जैसा हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं। अरस्तु की दृष्टि में अनुकरण का अर्थ था पुनः सृजन या पुनः प्रस्तुतिकरण। अरस्तु के अनुसार क्या है काव्य या कला, यह अनुकरण का अर्थ क्या है, रिक्रिएशन, पुनः सृजन, है ना, रिक्रिएशन, पुनः सर्जन, पुनः सृजन, पुनः प्रस्तुतिकरण।
और जो अन्य विद्वान हुए हैं अरस्तु के बाद, सिसरो होरेस आदि के अनुसार अनुकरण का अर्थ प्राचीन महान कवियों का अनुकरण। जो सिसरो होरेस नाम के विद्वान है, इनका कहना क्या है, अनुकरण का तात्पर्य जो प्राचीन जो महान कवि हुए हैं उनका अनुकरण करना। अरस्तु के परवर्ती समीक्षक, इनके बाद में जो समीक्षा के आलोचक हुए हैं बूचर आदि के अनुसार, अनुकरण का अर्थ है पुनः सृजन या कल्पनात्मक सृजन, है ना, इमेजिनेटिव रिक्रिएशन, इमेजिनेशन के आधार पर उनका रिक्रिएट करना, चीजों को पुनः सृजन करना। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अनुकरण पुनः सृजन का पर्याय है, पुनः सृजन, यह भी अरस्तु से सहमत है। आज अनुकरण यथार्थवाद और अति यथार्थवाद के रूप में देखा जाता है। वर्तमान समय में हम अनुकरण का सिद्धांत कहाँ पर देख सकते हैं, इसका मूर्त रूप जो यथार्थवाद है और अति यथार्थवाद है, इस पर हम देख सकते हैं। इन पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा बाद में, यथार्थवाद क्या है, अति यथार्थवाद क्या है, बाद में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली मेरे जो वीडियोस हैं हिंदी साहित्य के उन जटिल टॉपिक्स पर हैं, जटिल अवधारणाओं पर हैं, जिनको छात्रों को समझने में बहुत ही परेशानी होती है और कॉलेजेस के परीक्षाओं में, विश्वविद्यालय की चाहे परीक्षा हो चाहे प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इनमें इन अवधारणाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और नहीं समझने के कारण आप उनको भली भांति वहां पर याद करने का प्रयास करते हैं तो आपको कठिनाई महसूस होती है। तो मेरा एक विनम्र प्रयास है कि मैं इन चीजों को बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों तक पहुंचाऊं, और आप लोग इसे देख भी रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ना तो लाइक कर रहे हैं, ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना कमेंट्स कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी लिखें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। तो ये अनुकरण का संक्षेप में हमने यह अर्थ देखा। भारतीय जो आचार्य हुए, भारतीय काव्य शास्त्र, तो उनका क्या मानना है अनुकरण के बारे में? तो आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है, आचार्य भरत मुनि ने अनुकरण के स्थान पर अनुकीर्तन शब्द का प्रयोग किया। भरत मुनि इस शब्द का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं नाट्यम भावा अनुकीर्तनम, है ना, नाट्य की जो भावना है उनका अनुकीर्तन होता है। आचार्य भरत की व्याख्या अरस्तु के मत से मेल खाती है, है ना, नाटक में भी भावनाओं का अनुकीर्तन होता है, अनुकीर्तन होता है, अनुकरण होता है नाटक में भावनाओं का, भिन्न पात्र भावनाओं का अनुकरण करते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त मतलब प्रतीकात्मकता होती है, जैसे आप अंधा युग पढ़ेंगे उसमें प्रत्येक पात्र की प्रतीकात्मकता है। आचार्य अभिनव गुप्त क्या कहते हैं, इनका कथन है कि भरत का अनुकरण से, इन्होंने इसको स्पष्ट किया कि भरत क्या कहना चाह रहे हैं, भरत मुनि, भरत का अनुकरण से अभिप्राय अनुव्यवसाय से, अनुव्य व्यवसाय से, जिसमें कवि कल्पना के द्वारा अपने निजी पात्रों की सृष्टि करता है, यहाँ भी अनुकरण का अर्थ काल्पनिक पुनर्निर्माण है। तो इन्होंने उनका जो बात है भरत मुनि का उसको स्पष्ट किया है कि अनुव्यवसाय है, अनुव्य व्यवसाय, इसका तात्पर्य क्या होता है, अपनी कल्पना के द्वारा पात्रों का सृजन करना, पात्रों का सृष्टि करना, यहाँ भी अनुकरण का तात्पर्य क्या है, काल्पनिक पुनर्निर्माण, इमेजिनेटिव रिक्रिएशन। आचार्य धनंजय के अनुसार अवस्था विशेष की अनुकृति ही नाटक है, अवस्था अनुकृति ही नाट्यम, अवस्था से तात्पर्य आंतरिक और बाह्य सभी अवस्थाओं से है, मतलब जो पात्र है या जो हम आसपास जो चीजें देखते हैं उनकी बाहरी और आंतरिक दोनों ही अवस्थाओं को हम अनुकरण करते हैं तब क्या है, यही अनुकरण है। अनुकरण सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, अब देखिए अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है उसमें हमको क्या क्या कमियां नजर आती हैं। अरस्तु ने अनुकरण को नवीन अर्थ प्रदान तो किया, तथापि उसमें कुछ कमियां हैं, ये आपको परीक्षा में लिखना जरूरी है, कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं होती। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में क्या कमियां है देखते हैं। अनुकरण सिद्धांत कल्पना तत्व, इमेजिनेटिव एलिमेंट्स को स्वीकार करते हुए भी विषय वस्तु को ही प्रमुखता देता है। यद्यपि अनुकरण सिद्धांत में कल्पना तत्व को प्रधानता तो दिया गया है, इमेजिनेशन को, लेकिन जो विषय वस्तु है, जो कंटेंट या ऑब्जेक्ट है, कोई विषय वस्तु है किसी कविता या कला का, उसको अधिक महत्व दिया गया है, प्रमुखता प्रदान किया गया है। अनुकरण सिद्धांत की सीमा बड़ी संकुचित है, उसमें कवि की आंतरिक चेतना का महत्व नहीं दिया गया है, इसमें सिर्फ यह बताया है कि आप प्रकृति का अनुकरण करो, मनुष्य के स्वभाव का अनुकरण करो, लेकिन कवि की जो आंतरिक चेतना है, उसके खुद का जो कंसाइंस है, इंटरनल कंसाइंस, आंतरिक चेतना, उसको कोई महत्व नहीं दिया गया है, उसके बारे में बात ही नहीं की गई है। अनुकरण सिद्धांत गीति काव्य पर लागू नहीं होता, कविता लिखने का एक पैटर्न होता है गीति काव्य, गीति काव्य में कवि की निजी अनुभूतियों की प्रधानता होती है जो अनुकरण की परिधि में नहीं आ सकता। और जो गीति काव्य होता है उसमें खुद के फीलिंग्स और इमोशंस को एक कवि व्यक्त करता है, बाहर से कोई प्रेरणा उसको नहीं मिलती, तो अनुकरण सिद्धांत इसकी भी व्याख्या करने में असमर्थ है क्योंकि यह उसकी परिधि में नहीं आता। मनोविश्लेषणवादी या आत्मवादी कला चिंतकों के साथ अनुकरण सिद्धांत मेल नहीं खाता, चेतन और अवचेतन की अभिव्यक्ति मानने वाले की दृष्टि में अनुकरण का कोई महत्व नहीं है। यह मनोविश्लेषणवाद पर भी मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है, फ्रायड और एडर और जुंग
कि मनोविश्लेषणवाद क्या है, उसका लिंक भी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे भी आप जाकर जरूर देखें, तब आप समझ पाएंगे कि चेतन मन क्या है, अचेतन मन क्या है, अर्धचेतन या अचेतन मन क्या है। तो इसको आप जरूर देखें, इस पर भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मनोविश्लेषणवाद पर भी यह लागू नहीं होता, क्योंकि जब हम चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन के ऊपर जब चर्चा करते हैं, और कवि उसके ऊपर आधारित कोई कवि या नाटककार कुछ रचना की सृष्टि करता है, सृजन करता है, तब भी उसमें अनुसरण का, अनुकरण का कोई महत्व नहीं रह जाता। पांचवा, क्रोचे कविता को सहजानुभूति मानते हैं। क्रोचे एक पाश्चात्य विचारक है, क्रोचे की सहजानुभूति का सिद्धांत, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अतः यहाँ भी अनुकरण का प्रश्न नहीं उठता। सहजानुभूति, सहज रूप से जो हमको अनुभूति होती है। अस्तित्ववादी व्यक्ति स्वातंत्र्य पर बल देते हैं, जो अस्तित्ववादी हैं, है ना, जैसे कि अस्तित्ववादी क्या करते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, अतः जीवन और प्रकृति के अनुकरण की बात वहां भी नहीं उठती, प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्रता पर बल देते हैं, इसलिए जीवन और प्रकृति का अनुकरण की बात वहां भी नहीं उठती। किंतु बात यह है कि यह सब बातें अरस्तु के समय में नहीं उठी थी। अरस्तु ने जब यह अनुकरण का सिद्धांत दिया तो ये तो ईसा पूर्व की बात है, उस समय यह सारी बातें नहीं उठी थी। कला और काव्य के सामाजिक पक्ष के साथ अनुकरण सिद्धांत निश्चित ही जुड़ा है और उसका महत्व है। तो आज भी जो कला और काव्य का जो सामाजिक पक्ष है, है ना, उसके साथ अनुकरण सिद्धांत आज भी जुड़ा हुआ है और उसका महत्व आज भी है। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, परीक्षा में आपको प्रस्तावना और निष्कर्ष लिखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे नहीं कि आप उत्तर को यहाँ पर समाप्त कर दें। अभी इन सब बातों से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यह लिखना बहुत जरूरी है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत भावनामय तथा कल्पनामय अनुकरण को मानकर चलता है, शुद्ध प्रतिकृति को नहीं। अरस्तु का जो कल्पना, अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वह भावनामय है, इमोशंस पर बेस्ड है, कल्पनामय है, इमेजिनेशंस पर आधारित है। तो यह खाली शुद्ध प्रतिकृति को नहीं, जैसे हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं, वैसा नहीं है इनका अनुकरण। अनुकरण को नया अर्थ प्रदान कर अरस्तु ने कला का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित किया, उन्होंने कला को स्वतंत्रता प्रदान की, अनुकरण को एक नया अर्थ प्रदान किया, और उन्होंने कहा कला का संबंध अमूर्त तर्क से नहीं, संवेदन बिंब विधानी शक्ति से माना, सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया, कला पर प्लेटो द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर देते हुए कविता को दार्शनिकों और नीतिज्ञों के चंगुल से मुक्त किया, और कवि और काव्य को श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। प्लेटो जहां पर आदर्शवादी दार्शनिक थे, उपयोगितावादी दार्शनिक थे, वहीं पर जो अरस्तु हैं वे सौंदर्यवादी दृष्टि, सौंदर्यवादी दार्शनिक हैं, और उन्होंने कविता या काव्य या कला या नाटक को, अनुकरणात्मक कलाओं को, फाइन आर्ट्स को सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से देखा, और इस तरह उन्होंने बताया कि जो अनुकरण का संबंध है उसका संबंध बिंब विधायनी शक्ति से है। बिंब विधायनी शक्ति मतलब एक कवि या कलाकार के दिमाग में जिस इमेज का निर्माण होता है, जिस बिंब का निर्माण होता है, प्रतीक और बिंब आप पढ़ते होंगे, और उन्होंने माना कि सुंदर को शिव से अधिक व्यापक बताया। प्लेटो का कहना था कि जो भी काव्य कला है वह कल्याणकारी होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, है ना, सुंदरता को उन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया था, लेकिन अरस्तु ने सुंदरता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिया कि वह शिव मतलब कल्याणकारी से भी ज्यादा व्यापक है, कि वह सुंदर होना चाहिए। और उन्होंने प्लेटो के द्वारा कला पर, काव्य पर जो आरोप लगाए गए थे, और वे कवियों को अपने राज्य से निकालने की बात कर रहे थे, रिपब्लिक से आदर्शगढ़ राज्य की स्थापना करते हुए, उन आक्षेपों का, उन आरोपों का उन्होंने उत्तर दिया, और कविता को दार्शनिकों और नीतिज्ञों के चंगल से मुक्त किया, और कवि तथा काव्य को अरस्तु ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। तो यह निष्कर्ष है। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह व्याख्यान आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत को भलीभांति समझ लिया होगा। इसके बाद मेरे दो एपिसोड्स अरस्तु पर और आएंगे, अरस्तु का त्रासदी विवेचन और अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।